मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, कामोवेश इसी व्यवस्था में लगे हैं। मार्च में जब पहला मामला आया तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। केजीएमयू में लैब थी, वहां 50 टेस्ट कराने की क्षमता थी। आज हमारे पास 30 लैब है जहां प्रतिदिन 10,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। इसे अगले सप्ताह बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा, जिसे जून के अंत तक बढ़ाकर 20,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय अस्पताल के तहत लेवल 1, 2 व 3 के अस्पतालों में 1,01,236 बेड की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में 3,15,000 कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश कोरोना को नियंत्रित करने में सबसे बेहतर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली और हरियाणा से पलायन कर रहे श्रमिक और कामगार थे, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। हमने 24 घंटे के अंदर इस समस्या का समाधान किया। इसके बाद हमारे लिए तबलीगी जमात चुनौती बनकर सामने आए। इनसे संक्रमण ना फैलने पाए, इसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया कर उनका उपचार करवाया गया। लॉकडाउन में हमने कोटा से बच्चों को निःशुल्क और सुरक्षित घर पहुँचाया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 119 चीनी मिलों में पिराई जारी रही, 12,000 ईंट भट्टे चले और 2,500 कोल्ड स्टोरेज पर काम जारी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। 850 इंडस्ट्री में काम शुरू हुआ, इसमें 65,000 वर्करों ने काम प्रारंभ किया। एमएसएमई की 3.25 लाख यूनिट शुरू हुई, जहाँ 25,50,000 से अधिक कामगार काम शुरू किया। इसी तरह सूक्ष्म श्रेणी के 80,000 से अधिक उद्यम में 2,50,000 से ज्यादा कामगारों और श्रमिकों ने काम शुरू किया। मनरेगा में 40,00,000 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं। सरकार अपने संसाधनों और खर्चों से बाहरी राज्यों से अब तक 32,00,000 से ज्यादा कामगार और श्रमिक को वापस लेकर आई है। सरकार ने होम क्वारंटाइन किए गए प्रत्येक श्रमिक और कामगार को राशन किट के साथ साथ भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए भत्ता भी दिया। इसी तरह विश्वकर्मा श्रम सम्मान वाले 16 श्रेणियों के साथ साथ निराश्रितों को सरकार की तरफ से मुफ्त राशन और 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता मुहैया कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस आए कामगारों और श्रमिकों की स्क्रीनिंग के लिए 1,00,000 टीम कार्य कर रही है, जिन्होंने अब तक 4,85,00,000 से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग की है। इसके अलावा शहरों व गाँव में निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर से सैंपल की रिपोर्ट आते आते 12 घंटे लग जाते थे, जिसे सरकार ने ट्रूनेट मशीन मंगवाई। ट्रूनेट मशीन से 1 घंटे में सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। इस मशीन को नॉन कोविड अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के लिए लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहले से तैयारी और बेहतर व्यवस्था का परिणाम रहा। अभी तक प्रदेश में 3,231 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को हराकर घर वापस जा चुके हैं। सरकार ने हर स्टेशन पर मेडिकल और प्रशासनिक टीम की तैनाती की है। बाहर से जो भी लोग आएंगे उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। 6 दिन में सैंपल जाँच होगी, अगर कोई पॉजिटिव निकला तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।